गाइस राम राम सबने। तो स्वागत है एक और नए व्लॉग में। बर्थडे के घने व्लॉग हो गए थे तो मैं डाल नहीं पा रही थी, बस सिर्फ एक ही व्लॉग डाला मैंने, वरना जुलाई में हमारे 4-5 बर्थडे थे जो मैं शेयर करना चाहती थी, बट मैंने नहीं किया क्योंकि फिर बोर हो जाते, तो कुछ यूनिक करते हैं। तो पिछले 2 महीने से मैं श्याम बाबा की नहीं गई हूँ, तो आज मेरा जाने का बन ही गया प्लान। तो आज हम जा रहे हैं श्याम बाबा, सबको पता ही होगा मे बी श्याम बाबा कहाँ हैं, और जिसको नहीं पता है वो बने रहे व्लॉग में और देखें कि कहाँ है, क्या है, कैसे हैं। तो हम जा रहे हैं वहाँ पे, मैं और पूनम यहाँ से जाएंगे, रेवाड़ी से नानी मिलेगी और फिर हम आगे जाएंगे। तो दिखाते हैं आपको सारी जर्नी जो भी हमने वहाँ पे, या मे बी मंदिर के अंदर की वीडियो मैं नहीं बना पाऊँगी क्योंकि वहाँ पर अलाउड नहीं है फ़ोन, जो जाते हैं रेगुलर बेसिस पर उनको पता है कि वहाँ पर नहीं अलाउड होता। तो हम अभी हो चुके हैं रेडी और 2:30 बज चुके हैं हमारे, 3 बजे हमारी ट्रेन है यहाँ से, तो मिलते हैं आपको स्टेशन पे। सो अभी हम पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन, उधर भाई छोड़ने आया है, अभी ट्रेन हमारी लेट है, लेट्स सी व्हाट हैपेंड। व्लॉग बना नहीं पाई क्योंकि बारिश आ रही थी बहुत ज़्यादा और अभी साउंड इश्यूज भी होंगे मे बी, और हम रेवाड़ी पहुँच चुके हैं। ट्रेन आज पूरा 1 घंटा लेट थी, अभी नानी वेट करते करते हो गई हैं पागल, फ़ोन कर करके कर चुके हैं परेशान। अब जा रहे हैं हम रेवाड़ी, दिखाते हैं आपको रेवाड़ी की क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। ये देखो बारिश आ रही है, पूरी सीट खराब हो चुकी है, ये दर्शन करने पड़ेंगे, और ये बहुत बकवास चीज़ हुई हमारे साथ, पोपट हो गया हमारा। चलो अभी जाके देखते हैं वहाँ पे, बाकी थोड़ी देर में हमारी ट्रेन चलने वाली है। सो अभी हमारी ट्रेन चल चुकी है, रेवाड़ी से आउट हो चुकी है, और पूरा कितने मिनट लेट है, 20 मिनट लेट है हमारी ट्रेन, 53 तो 10-13 मिनट लेट है, 13 मिनट लेट है हमारी ट्रेन। और अब फाइनली भीड़ देख रहे हो कितने भगत बैठे हुए हैं, फिर रोक दी ट्रेन हमारी। ये रेवाड़ी गोन, ये सो फाइनली भैया आप बोलो बोलो, फाइनली हम रिंगस पहुंच चुके हैं, टाइम हो चुका है 10, और अभी हम जय हो। सो अभी हम सोच रहे हैं पैदल यात्रा की, बाकी बताएंगे आगे, अपडेट करते रहेंगे, तब तक देखते रहिए।
सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बाबा के दरबार में, क्योंकि हम पैदल यात्रा से आए थे तो इसलिए हम लोग सूट नहीं कर पाए थे बिकॉज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। और ये लोग हमारे साथी मित्र जिन्होंने हमारी मदद की है। तो कैसी फीलिंग है आप सबकी पैदल यात्रा करके? एक नंबर की। और आपकी? आप ये बताओ मुझे कैसा लग रहा है आपको पैदल? जय श्री श्याम। तो अब हमारी फाइनल जो यात्रा है वो अभी समाप्त होने जा रही है, क्योंकि हम जा रहे हैं बाबा के बिल्कुल दर्शन करने के लिए फिलहाल। और हम पूरे 16-17 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं और अब सिचुएशन ऐसी हो रही है कि मन कर रहा है यही सो जाऊं। तो अभी आगे की अपडेट आई डोंट नो मैं कब दूंगी, लेकिन फिलहाल तो मेरे को पीछे की अपडेट दे देना। फिलहाल बस यहीं तक कि बाय। लाइट कर ले।